हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग कटिंग करूँगी मैं इसकी। ये पट्टी ना टेढ़ी लगी हुई है, तो साइड में ये पीछे की साइड पर फिक्स है एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर, और असली वाले शीशे लगे हुए हैं। मिरर का वर्क है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर सूट था, लेकिन पट्टी टेढ़ी थी। मैंने उसे बोल भी दिया था कि पट्टी सही नहीं है, टेढ़ी लगी हुई है कस्टमर को। उसने बोला कोई बात नहीं, आप स्टिच कर दो। तो मैंने बड़ी इसे ना चैलेंज की तरह लिया है सूट को, तो ये मैंने अच्छे से स्टिच करके दिया। बहुत खुश हुई थी, अच्छी फिटिंग आ गई थी और पट्टी भी सेंटर में लग रही थी, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले नीचे वाली पट्टी उधेड़ूंगी क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, मुझे सेट करके दोबारा से लगानी है। ये तो सिलाई के साथ लगी है, मैं निकाल दूँगी, लेकिन गले वाली ना फिक्स थी, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। तो सूट जो बनाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, ये तो ले आई, शायद इसको ना प्राइस कम कर दिया होगा, लेकिन कोई समझदार कस्टमर होता तो नहीं लेता कि पट्टी टेढ़ी जा रही है नेक की। तो अब इसको मैं निकाल कर रख दूँगी और फिर सूट को मैं कटिंग करती हूँ। अगर पट्टी निकल जाती तो बड़ी आसानी से मैं फ़ोल्ड कर लेती सूट को। ये शीशे लगे होने के कारण ना ये सूट फोल्ड भी नहीं हो रहा था, तो बहुत ही अच्छी है ये, देखो कितनी सुंदर है कढ़ाई, और ये घेरे के ऊपर है एम्ब्रॉयडरी सारी। तो इसको मैं बाद में सेट करके लगाऊंगी, सूट को छोटा करना पड़ेगा, लंबा ज़्यादा है उनके हिसाब से। तो फिर सूट कट करती हूँ मैं, अभी आपको बताती हूँ कि अगर पट्टी टेढ़ी हो तो कैसे कट करना है, और नेक बना हो तो कैसे तीरा लेना होता है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके मैं सेट पर करके ना साइड पे रख दूँगी, बहुत ज़्यादा धागे लगे होते हैं छोटे छोटे इसके ऊपर। अब सूट को ना मैंने फोल्ड कर लिया है, तो तीरे का निशान ले लिया है। तीरे का निशान ना थोड़ा सा पीछे से लेना होता है, नेक के पास से लेना होता है तीरा हमको। तो इसके नेक छोटे ही होते हैं, मैंने तीरा इसका 6 इंच लिया है, तो नीचे को 7 इंच लेकर बॉक्स बना दिया था। और ये देखें पट्टी बहुत ही मुश्किल से फोल्ड हो रही है, पहले मैं ट्राई कर रही थी फिर मैंने छोड़ दिया, बस मैंने तीरा ही कट किया है। ऊपर से 6 इंच लेकर नीचे को 7 इंच लेकर 2 बार गुलाई डाल दी है, और सिर्फ इसके तीरे को ही कट करूँगी। आपको बताती हूँ कि कैसे कट करना है इस सूट को, क्योंकि पट्टी के हिसाब से बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा था। नेक को अच्छे से सेट कर लिया है मैंने और तीरा कट कर दिया है। अब इसको खोल कर रख देना है। तीरा हमेशा नेक से अगर नेक बना हो ना, नीचे से लेना होता है नेक के पास से तीरे को। तो इसको सारे को फैला कर रख कर ना, अब मैं पट्टी के हिसाब से ही इसको कट करूँगी मैं। तो ये देखिए पट्टी से इनकी बस्ट है 38 इंच, 9.5 इंच ले लिया है यहाँ से। एक साइड पर 2 इंच का सीधा निशान लगा लेना है, 8 पर कमर का और 15 पर हिप का निशान लगा लेना है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही 2 इंच, 8 इंच और 15 इंच पर निशान लगा लिया है। बस मैंने तीरा ही फोल्ड करके कट किया था। अब मैंने फिर से पट्टी के सेंटर से कमर का निशान लगा लिया, कमर है 32 इंच, दोनों इस साइड पर 8-8 इंच। तो यहाँ से मैंने फिर भी पट्टी का सेंटर किया है, तो सेंटर के हिसाब से 10.5 इधर लगाया है, 10.5 इधर, क्योंकि इनकी हिप थी 39 इंच, उसका आधा चाहिए हमको 19.5 इंच। तो मैंने 10.5-10 पर निशान लगा लिया है, इन निशानों को आपस में मिला लिया है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल मैंने पट्टी के सेंटर ले लिया है ना, तो जब उसने सूट पहना था तो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं लग रही थी, बिल्कुल सीधी लग रही थी पट्टी कढ़ाई हमारी। अगर फोल्ड करके कट करते थे ना तो फिर अच्छा नहीं होना था। तो ये देखिए अब मैं साइड इस साइड से जो है एक साइड से ज़्यादा कपड़ा बच रहा है, एक से कम, तो ये पट्टी की वजह से ही। पट्टी जो हमने सेंटर में लेनी है ना, बिल्कुल दोबारा दोबारा से चेक कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से सेट कर लूँ सूट को। तो ये पट्टी के हिसाब से ही मैंने जो सेंटर वाली है ना फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब बिल्कुल पट्टी सेंटर में आएगी, चाहे तो टेढ़ी है लेकिन सही आएगी। और साइड से 1.5-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा कट कर देना है कपड़ा फालतू का। दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट कर देना है। ये देखिए मैंने फोल्ड किए बिना ही इसकी मार्किंग करके इसको कट किया है। अगर ऐसे ही नेक की एम्ब्रॉयडरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखे तो आप ऐसे ही फैला कर सूट को कट करें कढ़ाई के हिसाब से, ताकि कढ़ाई जो हमारी सॉरी बीच में ना फ़ोन आ गया था, उसकी वजह से वो चल रही थी। तो ये हम बैक का पल्ला भी ऐसे ही कट करेंगे, क्योंकि ये सूट फोल्ड तो हो नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर ना शीशे वाली कढ़ाई है सेंटर में, तो इस वजह से इसका बैक का पल्ला भी मैंने ऐसे ही फैला कर कट किया था। जो पीछे का पल्ला है उसको मैंने बिछा लिया है सीधा सीधा। अब इसको फ्रंट के पल्ले के अकॉर्डिंग ही मैं सीधा सीधा कट कर लूँगी, जैसे हम लाइनिंग कट करते हैं ना वैसे ही बैक साइड का पल्ला कट कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से सूट कटिंग करने में मुझे लग रहा था कि टेढ़ा मेढ़ा आएगा, क्योंकि सूट भी आड्डा है तो अच्छा तो है नहीं था, लेकिन उसने पहना ना लड़की ने तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ गई थी, और ये पट्टी भी बिल्कुल सेंटर में लग रही थी। तो ये हमने पीछे का पल्ला भी कट कर लिया है, सेम ऐसे ही बाद में बाजू कट कर लूँगी। और इसके साथ ना मैंने पैंट बनाई थी,
वो वाली मेरी वीडियो पता नहीं किधर चली गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में कपड़े सिले थे। ये भी करवा चौथ से पहले ही सिला था, तो उस वजह से ना वीडियो पैंट की मैंने लगता है अलग से बनाई होगी तो वो मिल नहीं रही। अगर मिली तो मैं सिर्फ ओनली पैंट की वीडियो ही डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये शर्ट की वीडियो है। अब इसको हमने आगे की काट भी कट करनी है, नेक की जो होती है ना वो आर्म होल वाली डीप कटिंग, वो वाली करनी है। 1.25 इंच अंदर को लेकर जो हम निशान लगाकर गुलाई डालते हैं वो भी मैंने कट कर दी है। तो फिटिंग के निशान तो हमारे पहले से ही दोनों साइड पर आ गए हैं। अब इसको रख दूँगी साइड पे, तो फिर मैं बाजू कट करती हूँ। दोनों पल्ले कट हो गए हैं आगे का पीछे का। ये कपड़ा बचा है बाजू के लिए, बड़ी आसानी के साथ बाजू बन जाएगी इसकी। पहले इसको डबल फोल्ड किया है, 4 फोल्ड कर लूँगी। बाजू थी इनकी 14 इंच ओनली, क्योंकि ना ये बोल रहे थे कि छोटी बाजू पहननी, ज़्यादा बड़ी नहीं पहननी है मैंने, तो मैंने 16 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। पहले इसको फोल्ड किया है, ऊपर से सीधा सीधा कपड़ा निकाल दूंगी जो हमारा बचेगा। 16 इंच पर निशान लगा दिया है यहाँ पर। तो अब हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है इस साइड पर, 3.5 इंच का, और गुलाई डाल देनी है। बहुत ही ज़्यादा शोर है हमारे घर के पास, तो आप इग्नोर करना प्लीज़। तो ये हमारी बाजू भी कट हो गई है। तो पैंट की वीडियो अगर मुझे मिली तो मैं डाल दूँगी, अभी तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट करके बताया भी करें कि आपको कैसा लगा। कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी मैं निकालूँगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।